हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ का टॉपिक पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स, जिसकी पिछली वीडियो में हम दो एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम इसकी थर्ड एक्सरसाइज देखेंगे। थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन फिगर 6.39 साइड्स क्यूपी एंड आरक्यू ऑफ ट्रायंगल पीक्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी। इनको प्रोड्यूस करा गया है टी और एस तक, and respectively if angle STR equal to 135, ये आपको 135 degree given है, and BQD आपको 110, आपको PRQ find। उससे पहले एक basic concept आपको समझा दूँ, एक theorem है, in any triangle के अंदर किस side को, if any side is produced, that exterior angle is equal to sum of interior opposite। क्या कह रहा हूँ? एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इंटीरियर एंगल के अपोजिट दोनों जो एंगल हैं उनके सम के इक्वल होगा। इट मींस अगर ये 30 है और ये 40 है, इट मींस ये 30 प्लस 40 होगा। इसको हम जहां पे भी क्वेश्चन में यूज करेंगे प्रॉपर्टी को, वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और ट्राइंगल नाम से यूज करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, इसको चाहो तो आप प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? ये 30 और ये 40, तो ये कितना हुआ आपका 180 माइनस 30 प्लस 40, ये आ जाएगा। और फिर वापस लीनियर पेयर से ये फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू भी यही आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ कितना आएगा 110, और 180 माइनस 110 ये वापस कितना है 70। तो इसको चाहो तो आप प्रूव कर सकते हो, आपके बुक में थ्योरम दे रहे हैं 6.3 से जस्ट पहले, तो आप बुक में रेफर देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो ये थ्योरम स्पेशली आप ध्यान रखिएगा, इस 6.3 एक्सरसाइज में इसी थ्योरम का बेस्ट क्वेश्चन है आपके। ओके, तो अब जैसा कि यहां देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, गिवन। तो गिवन क्या है वो देख लेते हैं। इन ट्राइंगल BQR QP and RQ are produced to point S and T। ये दो क्या और क्या गिवन है? एंगल SPR equals 135 degree and एंगल PQT equals 110। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड एंगल PRQ। कौन सा एंगल PRQ? ये वाला एंगल आपको फाइंड। तो इसमें हम एक बार लीनियर पेयर का यूज करेंगे और एक बार हम इस एंगल को भी यूज करेंगे, देखिए कैसे। इसको हम फाइंड कर सकते हैं लीनियर पेयर से, और इन दोनों का सब इसके इक्वल होगा, इसके तो इसके थ्रू ये फाइंड कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, QPS इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल आपको दे रखा है SPR प्लस QPR इक्वल्स 180 डिग्री बाय लीनियर। अब SPR कितना दिया है आपको? 135। प्लस एंगल QPR इक्वल्स 180। ओके, अब क्या होगा? एंगल QPR इक्वल्स 180 माइनस 135 कितना आएगा आपके पास? देख लीजिए 45 दिया है आपके पास, 45 डिग्री। अब नेक्स्ट फाइंड करना है क्या आपको? PR। तो उसके लिए क्या करेंगे? ऊपर के पार्ट में T1 और 2 इरेज कर रहा हूं, Okay.
अब नेक्स्ट देखिए ध्यान से नेक्स्ट देखिए दो प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल PQR इन ट्राइंगल PQR एंगल PRQ प्लस एंगल QPR ध्यान से समझिएगा ये ट्राइंगल इसकी इस साइड को आगे प्रोड्यूस करा तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा इसके तो क्या जाएगा इक्वल्स टू एंगल BQD बाय एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ओके अब PRQ की वैल्यू कितनी है हमने फाइंड कर ली थी या नहीं ये फाइंड करनी है ये फाइंड करनी है अब QPR QPR की वैल्यू हमने फाइंड करी है 45 डिग्री PQD की वैल्यू आपको दे रखी है 110 डिग्री तो एंगल PRQ इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 110 माइनस 45 तो 110 माइनस 45 कर लीजिए आपके पास कितना आएगा 65 डिग्री आपका क्या हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका फिगर देख लीजिए एक बार ध्यान से क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दे रखा है इन फिगर 6.40 एंगल x इज इक्वल टू 62 एंगल x आपको 62 दे रखा है एंगल xyz 54 xyz ये आपको 54 दे रखा है एंड इफ yo एंड zo आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल xyz एंड एंगल xzy रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल xyz फाइंड एंगल ozy आपको एक तो OZY ये एंगल फाइंड करना है एंड एंगल YOZ ये एंगल फाइंड करना है ओके अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिवन और टू प्रूव सॉरी टू फाइंड ये आपको सेल्फ लिखना इस क्वेश्चन में डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट करना तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग वेयर कर देते हैं तो ट्राइंगल XYZ की बात अगर हम ओनली ट्राइंगल XYZ ये एंगल गिवन है ये एंगल गिवन है सबसे पहले कौन सा एंगल फाइंड करूंगा ये वाला तो क्या आ जाएगा इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स बाय ए एस बी डी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल नेक्स्ट x की वैल्यू क्या है गिवन क्या आपको गिवन टू फाइंड में आपको लिखना ही है 62 xyz की वैल्यू 54 xzy की वैल्यू फाइंड करनी है ओके xzy कितना आ जाएगा आपके पास 180 माइनस दोनों का प्लस 116 कितना आएगा आपके पास 64 अब नेक्स्ट थिंग वाई वो क्या कर रहा है और जेड क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या लिखेंगे एंगल एक्स वाई ओ इक्वल्स एंगल O by Z equals 1 by 2 एंगल किसका होगा X by Z because Y O bisect एंगल X Y एंगल X Y O equals एंगल O by Z half into
x y z theta था before 27. Similarly, angle x z o equals angle o z y equals half of angle x z कितना हो जाएगा half into 64 30. तो आप सारा ध्यान दे सकते हैं एक वैल्यू अपने पास आ चुकी है. हमको जो फाइंड करना था o z y वो आपके पास 32 आ चुका है. और ट्राइंगल ओ आई जेड के अकॉर्डिंग देखें ये आपका ओ आई जेड तो इसमें 32 आ गया है, ये आपका 27. ओके, तो आपको ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड करना है तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं. इसके आगे आपको क्या करना है, डू यूर सेल्फ. ओके, तो यहां तक मैंने आपको करा दिया. आपके पास एक आंसर आ चुका है, एक आंसर आपको सेल्फ एएसबीडी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज करते हुए फाइंड करना है. यहां पर आपका सेकंड क्वेश्चन हाफ हो गया है और हाफ आपको सेल्फ करना है. अब हम नेक्स्ट इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इजी है आई थिंक सो. इसको मैं बोल ले समझाना है, आपको सेल्फ भी करना है इस क्वेश्चन को. मेरे को इसको करा देने पर नहीं समझा था क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. आपको डायग्राम नजर आ रहा है, डायग्राम देखिए एक बार इस क्वेश्चन का ध्यान से. और इसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. इन फिगर 6.41 एक एबी पैरेलल टू बीई, ये आपका किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल. एंगल बीएसी इज इक्वल टू 35, ये आपका 35 डिग्री है. एंगल सीडी इज इक्वल टू 53, ये आपका 53. फाइंड एंगल डीसीबी, आपको ये वाला एंगल नॉर्मल सा है. पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग गिवन मतलब क्वेश्चन में दे रखा है गिवन टू फाइंड कर लेंगे. सॉल्यूशन में क्या आएगा आपका, ये दोनों पैरेलल गिवन है, दिस एंगल्स इक्वल्स टू दिस बाय अल्टरनेट इंटीग्रल. तो ये कितना आ जाएगा 35 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीग्रल. जेड याद होगा आपको, जेड जब बनता है तो क्या होगा अल्टरनेट इंटीग्रल. ये 35 से ये 35 आ गया. अब ये ट्रायंगल सीडीई में आप एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, डीसीई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो ये आपको सेल्फ करना है. अगर नहीं समझना है तो आप मेरे को वापस व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं. ध्यान रखिएगा यूट्यूब पे कमेंट करके ना पूछे, आप मेरे से व्हाट्सएप पे कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं. तो ये भी आपका क्या हो गया, डू यूर सेल्फ. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 से आपका 4. Plus
angle PDR equals 180 degree by angle sum property of triangle ASPD. अब PRD कितना है? 40. RPD कितना है? 95. PDR फाइनल लेंगे. ओके, तो 95 प्लस 40 135 माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 45. इसकी वैल्यू बस आ गई 45. अभी तक आपको क्या फाइंड करना बाकी है? एसक्यूबी फाइंड करना. मैंने कौन सा फाइंड करना है आपको? ये तो इसके आगे का प्रोसेस फॉलो करेंगे. यहां तक आए तो आपको समझ में आ गया होगा. अब मैं गिवन यहां से इरेज कर रहा हूं. ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका. तो क्वेश्चन नंबर 5 में इन फिगर 6.43 इफ पीक्यू परपेंडिकुलर टू पीएस. सबसे पहले क्या गिवन है आपको बोल देंगे पीक्यू परपेंडिकुलर टू पीएस. परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री पे है तो इन के बीच में एंगल क्या बन रहा है 90. सॉरी पीक्यू पैरेलल टू एसआर. PQ किसके पैरेलल दे रखा है? SR के. PQ पैरेलल टू SR. एंगल SQR इक्वल्स 28 डिग्री एंड एंगल QRT इक्वल्स 65 डिग्री. देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ टू फाइंड x एंड y. तो फाइंड में क्या रखा है? x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड y एंगल x एंड एंगल y के बीच में. सबसे पहले बात करें ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं दैट मींस ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी. तो मैं बड़ा डायग्राम देखते ही एक चीज समझ में आ रही है क्या जाए. ओके सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. एंगल PQR इक्वल्स एंगल QRT बाय अल्टरनेट इंटीरियर. दैट्स इट. अब बट एंगल
इक्वल्स, PQR किसके इक्वल है, x प्लस 28. सो एंगल x प्लस 28 इक्वल्स एंगल QRT, ये इसके इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, ये क्या हुआ आपस में इक्वल, x प्लस 28 इज इक्वल टू QRT. नेक्स्ट ये कितना है 65, x is equal to 65 minus 28, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 37, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ गई 37 डिग्री. अब नेक्स्ट इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल PQS एंगल P, ये एंगल P प्लस एंगल PQS प्लस एंगल PSQ इक्वल्स 180 बाय ASBQ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. अब ध्यान देंगे एंगल P कितना है 90 डिग्री because PQ perpendicular to PS, तो यहाँ आपका 90 आ गया. PQS कितना है, अभी अपने वैल्यू फाइंड करी थी कि यहाँ पर x लिखना है. PSQ कितना है, एंगल y, एंगल x, एंगल x की वैल्यू कितनी 37 प्लस एंगल y 90 उधर ट्रांसफर कर दिया 180 माइनस 90. अब एंगल y यहाँ कितना बचा 90, 37 को भी ट्रांसफर कर कितना है माइनस 37, 90 प्लस 37 माइनस 30 10 में सर 3, अब कितना 8 प्लस 3 क्या 53, तो ये क्या आ गया आपका आंसर, इसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू, इसकी 53 इसकी 37, तो ये दोनों आंसर आपके परफेक्ट. तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. पूरा ध्यान दें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन फिगर 6.44 आपको इस टाइप का डायग्राम दे रखा है, मैंने दोनों ट्रायंगल को हाईलाइट कर रखा है अलग-अलग, तो यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये वाला डायग्राम नहीं आएगा यहां पे, इस तरह से इसको हाईलाइट होगा दूसरा वाला डायग्राम, तो मैं इसको वापस बना के बता दूंगा आपको, ध्यान से देखिएगा. इन फिगर 6.44 the sides QR of triangle PQR is produced a point S, कहाँ तक produce करना QR को point S तक, if the bisector of angle PQR and angle PRS meet at point P, then prove that angle QPR is equal to half angle QPR. Angle PQR का bisector और angle PRS का bisector, ये दोनों का आपने join करना है D पर, तो आपको क्या प्रूव करना है QTR मींस ये वाला एंगल जो है वो इसका क्या है हाफ. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कैसे करेंगे हम, सबसे पहले गिवन इन ट्रायंगल PQR साइड QR इज produced to a point S. Up PR
EQR और PR उसके कैपेसिटर कौन है, पॉइंट ई पे मिल रहे हैं, मींस क्या कह सकते हैं QR सॉरी QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड RT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS, ये हम बोल सकते हैं। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, ये जो स्टेटमेंट है उसके। अब आगे और क्या बोल रहा है, लास्ट में टू प्रूव है, एंगल QTR इक्वल्स हाफ एंगल QTR। अब जो गिवन पॉइंट है ये दोनों और ये लाइन, इसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट बनाएंगे प्रूफ। तो सबसे फर्स्ट ये दोनों इक्वल, तो क्या इक्वल है, PQT QT एंड RT आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड PRS गिवन। सो एंगल PQT इक्वल्स एंगल PQR इक्वल्स हाफ ऑफ एंगल PQR, किसके हाफ है, एंगल PQR के हाफ है। कौन कौन ध्यान समझे, PQT और PQR इक्वल, लेकिन किसके बाइसेक्टर थे, PQR के बाइसेक्टर, मींस ये दोनों क्या हुए, QT बाइसेक्टर था PQR था, इट मींस ये दोनों किसके हाफ हुए, PQR। इसी तरह से सिमिलरिटी, आप ये वाला पॉइंट को हटा रहे हो यहां से, तो अब क्या आ जाएगा, सिमिलरली एंगल PR T इक्वल्स एंगल PRS हाफ एंगल PRS। ध्यान समझिएगा, इस डायग्राम देख लीजिए, ये बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मींस ये दोनों एंगल इक्वल, दैट मींस क्या हुआ, ये इस पूरे एंगल की क्या हुआ है, हाफ। अब हम ये तो आप लोग गिवन था उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बना चुके हैं, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले डायग्राम को वापस पूरा एनालाइज कर रहा हूं, वापस समझाऊंगा आपको डायग्राम पूरा, ध्यान समझना है इसका। सबसे पहले यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एक्सट्रा एंगल प्रॉपर्टी, इसके बारे में पहले बताया था ना। तो सबसे पहले मैं ट्राई ले रहा हूँ PQR जो हाईलाइट है, पर क्या है ये लाइन, इन ट्राइंगल PQR ये एंगल आपका QPR प्लस एंगल PQR इक्वल किसके होगा, ध्यान से देखिए ये और ये किसके इक्वल, बाय एक्सट्रा एंगल प्रॉपर्टी इन दोनों के, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इसके, तो इट मींस क्या होगा, एंगल PRS बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब QPR सिंपल है, हमको रिक्वायर्ड है QPR, यस। PQR PQR की अगर बात करूं तो PQR किसके इक्वल, ये PQR किसके इक्वल है, ध्यान देखिए यहां पे हाफ है, तो हम इस टू को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों साइड, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ट्राइस एंगल PQT, क्या लिख सकते हैं यहां पे, ध्यान से देखिएगा क्या लिख सकते हैं, ट्राइस एंगल PQT twice angle PQR equals angle PQR, PQR किसके इक्वल हो गया, PQR, क्योंकि हमको PQR required होना है, PQR लेंगे, तो क्या लेंगे, Q
PR plus twice angle TQR. सिमिलरली पी आर इसको देख सकते हैं आप, इसको देख लीजिए ट्वाइस पी आर टी ट्वाइस पी आर एस इक्वल एंगल पी आर एस. तो यहां पे क्या लिख सकता है ट्वाइस एंगल पी आर एस इक्वेशन नंबर फर्स्ट. रीजन लिखेंगे आप बिकॉज एंगल पी क्यू आर equals twice of angle TQR and angle PRS equals twice of angle PRS. तो ये आपने रीजन लिख दिया, ये अपन ऊपर प्रूव कर चुके हैं. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी. सेकंड इक्वेशन क्या आएगी वो देखते हैं. अब आ जाएगा आपके पास इन ट्राइंगल. नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल है टी क्यू आर. तो इसमें ये वाला और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ध्यान से. तो इन ट्राइंगल टी क्यू आर एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इक्वल्स एंगल टी आर एस. ये आपकी इक्वेशन क्या होगी. ओके अब ध्यान देखिए, यहां पे अपने पास टीआरएस है और यहां पे भी अपने पास टीआरएस है. तो ये टीआरएस की ये पूरी वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, ये पूरी वैल्यू इसकी जगह यहां. तो पीछे वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं मैं. क्या समझेगा क्या कर रहे हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. ध्यान दो इसको मैंने लिखा है क्यूपीआर प्लस ट्वाइस एंगल पीक्यूआर टू इस पीआरएस. पीआरएस पूरे वैल्यू क्या है, तो इसकी जगह लिख दिया एंगल क्यूटीआर प्लस एंगल पीक्यूआर. अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, एंगल क्यूपीआर प्लस ट्वाइस एंगल टी क्यू आर ट्वाइस एंगल क्यू टी आर प्लस ट्वाइस एंगल टी क्यू आर. ब्रैकेट ओपन करा तो टू से दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ट्वाइस टी क्यू आर से ट्वाइस टी क्यू आर कैंसिल. फाइनली इक्वल्स ट्वाइस एंगल क्यू टी आर. ध्यान से क्या आ गया, क्यू पी आर इक्वल्स ट्वाइस एंगल टी क्यू आर क्यू टी आर. तो आपके पास जो रिक्वायर्ड था वो आ गया. अब इस टू को इधर डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या जाएगा, एंगल क्यू टी आर इक्वल्स हाफ एंगल क्यू टी. ओके अभी इस क्वेश्चन को इस मेथड से समझाएं, थोड़ा सा बड़ा मेथड लग रहा होगा आपको, लेकिन नेक्स्ट जब भी इस क्वेश्चन को वापस हम समझेंगे रिवीजन में, एक छोटा मेथड हो रहा है इसका, उस मेथड से समझाऊंगा अभी, क्योंकि पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था इसलिए पूरा डिटेल में आपको समझाया. इसको शॉर्ट में नेमिंग देकर भी हम कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग नेमिंग देकर भी हम सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकते हैं. वो मेथड नेक्स्ट टाइम जब भी हम समझेंगे तब देखते हैं उसको. आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे आपकी 6th यूनिट भी फिनिश होती है, इसके बाद हम नेक्स्ट नए यूनिट जो भी लेंगे नेक्स्ट वीक. आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.